Hello and welcome to this week's Community News on ITV. I'm Kala Shankar. Last week, the Indian Parliament witnessed an unprecedented session where the opposition forced a debate on the issue of the anti-nation slogan, chanting in the premises of Jawaharlal Nehru University in New Delhi. The issue relates to slogans in favor of separatist supporter Afzal Guru, who was given capital punishment by the Supreme Court of India due to his involvement in the attack on the Indian Parliament in 2001. The strange scene emerged in the Parliament as Congress leaders spoke in favor of those students at JNU who called for the destruction of India. The churning of ideas and debate on true sense of patriotism is being discussed. However, it is happening at the cost of development. Here are a few glimpses related to this developing story. When I say I'm pained, madam, कि एक बच्चे के दुर्भाग्यपूर्ण बोलते हैं लोग, एक बच्चे की मृत्यु पर किस प्रकार से राजनीति हुई, यह उसका प्रमाण है। पुलिस वहां की सक्षम है न्याय करने के लिए, लेकिन 6:30 बजे तक कोई डॉक्टर इस बच्चे के पास नहीं गया, क्योंकि जो आवाज लगा रहे थे वो न्याय नहीं चाहते थे, राजनीति चाहते थे। किसने डिक्लेयर किया उस बच्चे को डेड? Who was medically equipped to declare this child dead? How many cases go when an individual tries to hang themselves, the vertebra does not break, pulse goes down to 30, 40 and an individual can be revived? Medically there are people who are more expert. How many people? Who tried to help this child? My accusation today is this, madam. The people who passed a judgment to have this child disbarred are not people appointed by the BJP-led NDA, but by the Congress party. In everybody's political experience, have you ever seen Rahul Gandhi go to one spot twice? No. Never gone. 600 students died for the Telangana movement. Did he go once? He did not go once. But in this, he saw a political opportunity. This child, in his statement, says no one is responsible for my death. But yet, you seek to use this child for your own political ends. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों ने जो देश विरोधी नारे लगाए वो बहुत ही आहत करने वाले हैं। वो आहत करने वाले प्रत्येक उस व्यक्ति को आहत करने वाले हैं जो भारत को अपने हृदय में बसाता है, चाहे वो भारत में रहता हो और चाहे भारत के बाहर रहता हो। ये जब कानों में गूंजता है कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, और वो भी दिल्ली के एक ऐसे विश्वविद्यालय में जो कि राष्ट्र का गौरव माना जाता था, तो बहुत बहुत दुख होता है। उससे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उन बातों को, उन नारों को जस्टिफाई करने के लिए अपने कुतर्कों के साथ लाखों लोग जुट पड़ते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं, वामपंथी कहते हैं। तो एक अजीब सी पीड़ा मन में आती है कि भाई हो क्या रहा है ये? क्या हम गलत हैं जो भारत को एक देश के रूप में देखते आए हैं? क्या वो जवान गलत हैं जो सीमा पर खड़े होकर अपनी प्राणों की आहुति चढ़ाते रहते हैं भारत माता को? या ये लोग गलत हैं जो भारत के विरोध में नारे लगा रहे हैं और उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? पर इसका उत्तर बहुत दूर तक खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब अभी संसद में स्मृति ईरानी अपना वक्तव्य देती हैं, तो सिलसिलेवार ये स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ दूध है और कहाँ पानी है। और उनके वक्तव्य के बाद ऐसा लगता है कि अब इस बात पे विराम लगेगा। राजनाथ सिंह जी जो हैं उठकर कहते हैं कि अब इस वक्तव्य के बाद कुछ कहने को नहीं बचा है। पर हमारे जो तथाकथित बुद्धिजीवी मित्र हैं, वो चिंतन करते हैं कि अब ये वक्तव्य तो ऐसा हो गया कि हमारी बोलती बंद हो गई है, तो अब हम क्या करें? तो वो पहला प्रयास वो ये करते हैं कि ऐसा करते हैं हम कि स्मृति जी का जो भूतकाल है, जो उनका पुराना समय है जिसमें वो अभिनेत्री थी, वहां से कुछ उनकी बातें उठाकर, उनके व्यक्तिगत जीवन की बातें उठाकर उन पर आक्षेप किया जाए,
तो हो सकता है कि उनके वक्तव्य की गरिमा कम हो। कुछ कहते हैं नहीं, हम किसी एक पंक्ति को पकड़कर उसमें झूठ साबित करने में लग जाएंगे, और झूठ इस तरह साबित कि डॉक्टर ने तो ऐसा कहा था और उसने तो वैसा कहा था। इस प्रकार किसी एक पंक्ति को लेकर पूरी ताकत से हम कहने लगेंगे कि ये तो झूठ बोला इन्होंने, ये तो झूठ बोला उन्होंने। लेकिन वास्तविकता जो उन्होंने कही थी वो वास्तविकता ही रहेगी कि जब उस छात्र को आत्महत्या करने के 12 घंटे बाद तक उसी हॉस्टल में रखा गया और अस्पताल नहीं ले जाने दिया गया, और उसी हॉस्टल में ही उसको मृत भी घोषित कर दिया गया और सारी चीजें हो गई। और तो अब ये बुद्धिजीवी लोग चर्चा करते हैं कि साहब ये भी अगर नहीं होगा तो हम ऐसा करेंगे कि स्मृति जी को कंपेयर करेंगे अन्य नेताओं के साथ भाजपा के, कि देखो वो ज्यादा अच्छा बोलते हैं, अटल जी के तर्क कितने अच्छे होते थे। चौथा काम ये करते हैं साहब हम इनके नाटक, इनके जो इनका जो वक्तव्य है उसको नाटक से, नाट्य शास्त्र से हम उसकी तुलना करते हैं, और उसमें भाव पक्ष उसका, उसमें किस प्रकार भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की गई थी हम ये बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मित्रों जब कभी किसी सच बात को झूठ करने की कोशिश की जाती है तो वो असफल ही होती है, झूठ के पांव नहीं होते हैं, और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज स्मृति जी का भाषण यूट्यूब पे करोड़ों लोगों से ऊपर ने देखा है। क्या आपको नहीं लगता कि वे करोड़ों लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है और सत्य कहाँ है? मैं मित्रों ये नहीं कहता कि भाजपा सत्य है या ये सरकार सत्य है सदा, पर इस विषय पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद सत्य का पक्ष इस सरकार के तरफ है, ना कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारत माता की ध्वंस की कामना करने वाले उन लफंगों के पक्ष में। उन्हें जितने लोग पकड़े गए हैं ये अच्छी बात है, जिन्होंने सरेंडर किया है ये बहुत अच्छी बात है, और जो बाकी लोग हैं जो अभी भी नहीं पकड़े गए हैं उनको शीघ्र पकड़ा जाए, कानून अपना काम करे। राष्ट्र के प्रति यदि कोई गलत बात करता है तो उसका विरोध होना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। हमारे हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, और यदि संविधान की अवहेलना होती है, यदि राष्ट्र की अवहेलना होती है, तो उसके लिए जो भी धाराएं हैं, जो भी कानून है, वे लागू किए जाने चाहिए, कड़ाई से लागू किए जाने चाहिए। मेरी संवेदना उन बच्चों के परिवारों के साथ भी है जिन्होंने अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजा होगा, पर वे पढ़ाई के अतिरिक्त इन सब गतिविधियों में लिप्त हो गए और ना जाने कौन कौन सी विचारधाराओं से प्रभावित होकर अपने ही खिलाफ बंदूक लेकर खड़े हो गए, नारे लेकर खड़े हो गए और इस तरह की भावनाएं लेकर खड़े हो गए। What is this depraved mentality? I have no answers for it. I have no answers for it. But then I thought, is it only because many leaders say कि हाँ बच्चे हैं बोल रहे हैं माफ करो, हो सकता है। But how does this depravity get seeded into the minds of our children? Unfortunately, the rows of the Congress party are empty today, Madam Speaker. I have said time and again, Siksha ko ranbhumi mat banao. मैंने बार बार इस सदन में और दूसरे में निवेदन किया हाथ जोड़कर, मेरी किसी ने नहीं सुनी। Today I am compelled to say this, Madam Speaker. Are these just slogans? I seek to quote a European philosopher, Roman at that, who said, "A nation can survive its fools and even the ambitious, but it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely. His sly whispers rustling through all the alleys, heard in the very halls of government itself. For the traitor appears not a traitor. He speaks in the accents familiar to his victims. He wears their face and their arguments. He appeals to the baseness that lies deep in the hearts of men. He rots the soul of a nation. He works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city. He infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear.
आज अगर चाणक्य का मैं यहां वर्णन करती तो लोग कहते सैफरन है। इसलिए आज एक रोमन फिलोसोफर को कोट किया। तो जी मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से तो मेरा यह मानना है कि इस तरह की जो ताकतें हैं उनका हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। हमारी वैचारिक सोच कोई भी हो सकती है, लेकिन कोई भी विद्यार्थी किसी भी मत का समर्थक हो उनके विचारों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्र के विरोध में खुलेआम सार्वजनिक रूप से इस तरह की नारेबाजी करना ये मुझे लगता है किसी भी सीमा में स्वीकार्य नहीं है। मुझे ध्यान है जब भारत पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था 1971 पे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने ये कहा था कि इस समय प्रधानमंत्री हैं श्रीमती गांधी और देश है भारत। सारे राजनीतिक विरोधों को भुला करके वो एकजुटता की बात कही थी। तो मुझे भी लगता है कि जब जब भी इस तरह की बात आती है तो कम से कम हमें अपने निजी विचारों को छोड़ करके, मतभेदों को छोड़ करके इस तरह की ताकतों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब वो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, ये जो बहस चल रही है तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्हें अपना काम करने दिया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो सके और देश की जो न्याय व्यवस्था है उसके प्रति हमें पूरा सम्मान और विश्वास रखना चाहिए, तभी हमारा प्रशासन और सरकार और समाज सही रूप में चल पाएंगे। संजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए चलते चलते एक सवाल, एक नया नया रिपोर्टर जो आपका विद्यार्थी रहा है, अगर वो ऐसी स्थिति में जाता है जहां इस तरह के नारे लग रहे हैं जिनको उसे पता है कि अगर वो अपने संचार माध्यम से दिखाएगा तो लोगों में उत्तेजना बढ़ सकती है, तो उसे ये निर्णय करना होता है कि मैं इसको कितना दिखाऊं कितना दिखाऊं, ये समझिए कि उसी के पास एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह की स्थिति की रिपोर्टिंग में विवेक का उपयोग कैसे करना चाहिए? आपको तो कोई दोहरा नहीं है कि जब भी कोई ऐसी घटना है जिससे भी उत्तेजना फैलने वाली है तो रिपोर्टर का ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि वो उस समस्या को इस तरीके से उठाए ताकि लोगों में संदेश भी जाए, क्योंकि आज के दौर में किसी भी खबर को रोकना, किसी खबर को प्रतिबंधित करना, किसी खबर को छिपाना, किसी तथ्य को छिपाना ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मीडिया का इतना तेजी से विस्तार हो रहा है, समाचार पत्रों की संख्या बढ़ रही है, टीवी चैनल्स की संख्या बढ़ रही है, रेडियो पर जिस तरह से हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और सोशल मीडिया, खबर को हम रोक नहीं सकते। इसलिए ये सोचना कि इस तरह की उत्तेजनात्मक घटनाओं को हम नहीं दिखाएं ये असंभव है। सवाल यह है कि इन घटनाओं को दिखाने के लिए हम किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, टेलीविजन पर हम किस तरह से दिखाते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। तो वो उसको इसी रूप में दिखाए ताकि उस घटना को समाज तक सही रूप में पहुंचाया जा सके और उस पर एक चर्चा को शुरू किया जा सके और लोगों के मन में ये सूचना पहुंच सके कि ये घटना घटी है और अब किस तरह से उसके खिलाफ खड़ा होना है, ये उसको उसका जो अनुभव है वो उसको इन चीजों के बारे में अधिक परिपक्व बना पाएगा। और इसके लिए मुझे संचार माध्यम है उन्हें ही अपनी सीमा रेखा तय करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो शायद संचार माध्यम में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो अलगाववादी घटना बॉम्बे में जो अटैक हुआ था, आतंकवादी अटैक, उसके पहले हमारे पास कोई इस तरह का एक एक्सपीरियंस नहीं था और उसी का परिणाम हुआ कि 3 दिन तक लाइव टेलीकास्ट किया। इसके बाद संचार माध्यमों ने स्वयं साथ में बैठे और अपनी एक नीति तैयार की कि किस तरह से टेररिस्ट अटैक पर हम कवरेज करेंगे, तो धीरे धीरे वो चीजें सही रास्ते पर आने लगी। सही रास्ते पर चीजें आए, सही रास्ते की तरफ सोच बढ़े, ऐसी कामना करते हुए जो कलेक्टिव एफर्ट्स अब किए जा रहे हैं जिसमें मुझे याद आता है कुछ प्रोफेसर्स ने राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखकर भी अपनी चिंता से अवगत कराया, आईआईटी के प्रोफेसर्स ने अलग अलग विभागों में अलग अलग तरह के क्षेत्रों में सफल रहे लोगों ने भी अपनी इस संबंध में विरोध व्यक्त किया है, पर समन्वय बढ़े और आने वाली पीढ़ी में उचित संस्कार आ सके, इस दिशा में आपको क्या लगता है? मोटा मोटी 2-3 बातें जो आपको लगता है व्यावहारिक ढंग से जल्दी जल्दी लागू की जा सकती हैं। इसमें तो मैं शिक्षण संस्थाओं में बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स के पास शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो सबसे पहले तो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इसमें कहीं ना कहीं शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों को उन मूल्यों को कहीं उनके जीवन व्यवहार में, जीवन की संस्कृति में, दैनिक दिनचर्या में कहीं प्रतिष्ठापित कर सकें। और मुझे लगता है कि हमारे शिक्षण संस्थाओं में इन विषयों पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी को मालूम पड़े कि देश में क्या हो रहा है, हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो
तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों का, कभी कभी लगता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, तो कहीं वो एक दूसरे के साथ जुड़ सके और शिक्षक भी उनके मन में उस राष्ट्रवादी मूल्यों को कहीं प्रतिस्थापित कर सके, ये बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ। दूसरा, जैसा आपने संचार माध्यमों की भूमिका की बात की, तो मुझे लगता है संचार माध्यमों में जो डिबेट्स शुरू हुई है या वहां इस तरह के कार्यक्रम अधिकाधिक संख्या में प्राइम टाइम में दिखाए जा सके, प्रकाशित किए जा सके, तो उसके माध्यम से भी कहीं इस बहस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, जो अपनी बात अभी हुई थी सोशल मीडिया, सोशल मीडिया जैसा मैंने कहा कि आपसे आम आदमी का हथियार है, तो उस आम आदमी के हथियार के माध्यम से भी हम इस तरह के मूल्यों का विकास और प्रचार प्रसार जो है कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह का हम एक सामाजिक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, तो उस तरह की व्यवस्था हम उसके साथ युवा पीढ़ी को जोड़ पाए तो शायद इस समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये 22 फरवरी 2013 का पैम्फलेट है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी बड़े पैशनेटली बोल रहे थे, हैंग एवरीबॉडी इंक्लूडिंग प्रोफेसर्स, हैंग देम इफ दे स्पीक अगेंस्ट द नेशन। आज अगर होते तो उनको ये दिखाते। दो प्रोफेसर हैं, कैंपस में कश्मीर सॉलिडैरिटी रैली निकाली जब उनकी सरकार थी, टू शो सॉलिडैरिटी विद द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन कश्मीर एंड रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ दिस कंट्री। एक और प्रमाण जो यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ है, अबॉलिश डेथ पेनल्टी, बर्न एफिजी ऑफ होम मिनिस्ट्री नॉट मिनिस्टर, स्पीक अप अगेंस्ट द जुडिशियल मर्डर एंड हैंगिंग ऑफ याकूब मेनन। कौन था मुंबई में 12 मार्च, मेरी मां का जन्मदिन है इसलिए आज भी मुझे वो दिन याद है, धमाके हुए, हिंदुस्तानी मरे, आतंकवादी ने मारने से पहले उस हिंदुस्तानी का ना धर्म पूछा ना जाति पूछी। इस पोस्टर में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट जज, हिंदू फैशिस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, द स्टेट वॉज स्केर्ड ऑफ याकूब मेनन। Our media is a communal corporate media. We are a murderous republic. And our cannibal collective conscience was satiated by hanging Yakub Menon. We must rise against this judicial murder, a call to rise against a Supreme Court, which you approach for bail now. That is the strength of my democracy. A call to rise against the President of India, to whom you go and implore and say, न्याय कीजिए। उनको जल्लाद कहने वाले उनके दस्तक घर पे जाकर दस्तक देते हैं, वो दरवाजा खोलकर उनका स्वागत करते हैं, ये मेरे लोकतंत्र की ताकत है। I begged and I pleaded, don't make it about us and them. Our children are not vote banks, but nobody heard me. लेकिन जिस तरह के उदाहरण स्मृति ईरानी जी ने संसद में दिए, जो अभी राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में है कन्हैया, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, उनके नाम के साथ एक जो पोस्टर महिषासुर, और तो दुर्गा माँ के बारे में जिस प्रकार की वाहियात बात उसमें लिखी हुई है, तो कोई भी श्रद्धा वाले मन के ऊपर इतना आघात पहुंचेगा जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग सहिष्णुता से, शांति से, तो ये वाली जो मानसिकता है कि इस प्रकार के विचारों को व्यक्त करना यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मगर इस प्रकार के विचार आने भी नहीं चाहिए, इसका समाधान कैसे हो सकता है? यही बात चुभती है, खासकर के हिंदुओं को ज्यादा चुभती है और चुभनी भी चाहिए आई थिंक, क्योंकि ऐसी बातें अगर किसी और धर्म के गुरुओं के प्रति या पैगंबरों के प्रति या इवन जो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं किसी, जैसे ईसाइयत में या इस्लाम में या यहूदी में, अगर ऐसी बात कोई कई मतलब कोई कोई हिंट भी दें दिया जाए, तो मेरे को लगता है 100 गुना ज़्यादा ज़्यादा बड़े दंगे होंगे। तो ये बात जो है ना, जो इम्बैलेंस है, वो हमको बहुत परेशान भी करती है और वो करनी भी चाहिए, वो मुझे भी करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जैसे दुर्गा माँ के बारे में जो कहा गया और जो गलत कहा गया वो सब है, और वही जैसा है ना,
ये एक तरह से एक सोशल जस्टिस की बात है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात है कि जस्टिस रूल ऑफ लॉ हैज टू बी यूनिफॉर्म फॉर एवरीबडी, नोबडी शुड गेट एनी प्रिविलेज फॉर जस्ट फॉर बीइंग अ माइनॉरिटी, बिकॉज एवरी कम्युनिटी इन इंडिया कैन बी कॉल्ड एज अ माइनॉरिटी. आई एम अ जैन, आई कैन बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी, राइट? Brahmins have become another minority in India now because they have no more privileges left. Everything is reserved for other scheduled castes and tribes and so on. So Brahmins have become so impoverished in a way. So every community, Parsis and so on, so many, there are infinite number of minority communities if you really look at that way. So it's a very unfair situation, and I think long term, जैसा मैंने कहा कि education में, शिक्षा में हमको बच्चों को बिल्कुल सही संस्कार देने पड़ेंगे और उनको सही इतिहास पढ़ाना पड़ेगा भारत का, और कैसे हम साथ में रहे हजारों सालों से, ये सब बातें बतानी पड़ेगी. और वो तो होगा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल हैज टू बी अप्लाइड एंड यूनिफॉर्म लॉज हैव टू बी अप्लाइड टू एवरीबडी. एंड जहाँ भी ऐसी बातें हों, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई और हो, जो अगर भारत के विरोधी नारे लगाएगा, चाहे उसका नाम कन्हैया लाल हो, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे जो भी नाम हो उसका, उसको टू द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सटेंट उसको सजा मिलनी चाहिए. उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स. तो वो हो रहा है मुझे लगता है कुछ हद तक अभी. तो लेट्स सी, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. आई गेस द फाइनल एपिसोड ऑफ आईटीवीज मंथली प्रोग्राम आस्क योर सीजी विद एंबेसडर ज्ञानेश्वर मुले विल बी एयर्ड ऑन मंडे फेब्रुअरी 29th एट 6 PM. दिस विल इंक्लूड हिज रिफ्लेक्शन ऑन वर्किंग विद द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ड्यूरिंग हिज पोस्टिंग एट न्यूयॉर्क. During this introspective communication, Ashok Vyas also touched upon the reference of freedom of expression and national interest in the light of the situation that has arisen from JNU campus involving shouting of anti-India slogans by a few students. Here are a few excerpts from that conversation. तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी तरफ देश का ध्यान होता है, और हाल ही में जो नारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगाए गए, जिसको लेकर उसमें राष्ट्र विरोधी बातों को सुनकर अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोग चिंतित हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है. हम इस संदर्भ विशेष को न छूते हुए अगर हम शिक्षा में भारतीय भाव को लेकर विद्यार्थी आगे आए, इस तरह से आपको क्या लगता है कि हमारे पाठ्यक्रम की संरचना वैसी है या उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन या कुछ परिष्कार होना आवश्यक है कि इस तरह की विचारधारा कम से कम शिक्षा परिसरों में तो न पनपे? इसमें जो मैं समझता हूँ, दो तीन बातें हैं. एक तो सबसे पहले कानून और सुव्यवस्था की बात है. मैं समझता हूँ कि किसी भी, हमारा जो संविधान है वो सबको हर तरह की स्वतंत्रता देता है. अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, संचार का स्वातंत्र है, लेकिन किसी को भी हिंसा पे उतारू होने का या फिर संविधान के खिलाफ कुछ करने का किसी को भी अधिकार नहीं है. तो इसलिए ये सबको जानना ज़रूरी है, और अनुशासन का पालन करना बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है. और दूसरा जो है, जहाँ तक कानून और सुव्यवस्था की बात है, तो कानून और सुव्यवस्था की यंत्रणा है हमारे पास, और वो इसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करती है. और जो जिस मामले का आपने उल्लेख किया है उसमें भी कार्रवाई जारी है. महत्वपूर्ण बात यही है कि कई बातें होती हो सकती है ज़िंदगी में जिसके बारे में हमारे मन में असंतोष है, लेकिन जनतंत्र की महिमा इसी में है, गरिमा इसी में है कि लोग उसको शांति से और संविधान के जो चौखट है उसमें रह के बात करें. तो मैं इस विषय में ज़्यादा आपके साथ अभी विमर्श नहीं करना चाहता हूँ, पर जो संकेत आपने दिए, तो अगर आप न्यायपालिका के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, अगर आप विद्यार्थी होकर इस तरह के नारे लगा रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, और साथ ही उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं जो भारत के प्रजातांत्रिक मंदिर पर हमला करने वाले हैं, तो ये मानसिकता को हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सराहना के साथ स्वीकार करें? ऐसी व्यवस्था तो संभवतः उचित देश के कल्याण में नहीं होगी. सही है, बिल्कुल. मतलब आपने जो बात कही बिल्कुल सही है. मतलब किसी को भी, मैं तो कहता हूँ कि किसी को भी संविधान का जो है नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए.
स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता की भी जो है मर्यादाएं हैं. हम स्वतंत्र हैं लेकिन हम जंगलों में नहीं रहे. Dr. Kanthi Jain is a president of Human Benefits Services, which is serving the community in the field of education, healthcare, and the empowerment of women in Kinchan. Kinchan is a small village near Phalodi in Rajasthan. An interesting aspect of Dr. Kanthi Jain, she received a doctorate in Toronto, then worked at Columbia University for many years before moving back to India with passion and compassion. Ashok Vya spoke to her about her journey. This organization focuses on three pillars. One is health, education, and women empowerment. And we are working on these three pillars. Let's talk a little bit about Kinchan and what is it that led you to zero down on this area, which is near Phalodi, I believe. This western Rajasthan, especially the Phalodi area, is highly backward as regards the health, education, and also women empowerment. So we thought this will be a desert area, and here everything is very much scarce. So let's start from this area, and if our experiments are successful in this area, they can be multiplied to the other area also. So that's how we started our work in the Kinchan. This Kinchan is a small village. It is a part of, it is a situated in Phalodi Tehsil, 5 kilometers from Phalodi and 130 kilometers from Jodhpur. And this village is very famous for Siberian birds, because these birds, which are known as the Kurja in that language, and mostly the birds comes in the winter time and they remain there until they come around October, and they leave this place around end of March. So the lot of visitors comes. So that's why this small village is very famous in in India, and in National Geography you will find they always give the one of the article, and also in the TV they talk about Kurja. So Kurja or Siberian cranes, you have heard about them, and Kinchan is also internationally known place because of these migrating birds. But there is one bird, if I refer to Dr. Kanthi Jain as bird, who has migrated back from America and now is serving the natives of Kinchan. So women in general are always trying to find their place in the society, and the kind of recognition and gratitude which the society owes to women in general, that awareness is also growing, and sometimes we need that, much more needs to be done. But talking about women empowerment, and especially in rural area where most of the family members are not supportive that women go out and work, so there you are starting these kind of projects. What were the initial hurdles that you had to face? Well, I was lucky in one way, because when we started our program, this hospital and a school, so one of the women came to me and she said, you have started a big hospital, which is generally not present in rural area, and also a very nice school, but you never thought of us. So I was a little bit surprised. But I said, yes, you are very correct. So what I can do for you? That woman told me that if I knew, I wouldn't come to you. I will do myself. That answer was also shocking to me. But I said, OK, give me a week time. But meantime, you do one thing for me. You are interested in doing something. But I would like you to ask other women also if they are equally interested. Then only I can think of doing something for you. And well, within a week's time, she came with a list of 150 women who showed their great interest into that they would like to do something about
themselves. And mostly in that there were many widows and also the very ladies came from a very lower community in India, that's what they are. And so I thought, well, on their request, I must do something. So initially we started a sewing classes. I thought, let me see what are their interest is. And they all learned very nicely. And initially 6-7 women came, but slowly in our center, about 50 to 60 women used to come every day. Then in summer, the girls also joined this program, and I kept the two teachers for them and about 20 sewing machines, and these women started to work. During that period, we were working in one of the Dharamshala kind of the place, but later on, one of the person who was living outside the kitchen, but when he knew about this program, he donated his haveli to us. Wow. And he said, that's for good cause, you use this haveli, and the picture is there. And that's how we started there. That is all the time we have for today's community news. Do join us next week at the same time on ITV. Until then, be well and take care. I'm Kala Shankar.